देखो हॉटस्टार पे कल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है मलिकापुरम। भाई मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मलिकापुरम यह एक ऐसा मूवी है जिसे आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं, लेकिन यह मैं चैलेंज दे सकता हूं कि आपने इस तरह का मूवी नहीं देखा होगा। कैसे एक बच्ची का प्रेम अपने जो स्वामी अयप्पा है उसके लिए एकदम विभूतिपूर्ण है। कहने का मतलब कि उसके मन में ही वह स्वामी बसे हुए हैं। देखिए तो आज हम इसी फिल्म का रिव्यू करते हैं, तो लेट्स गो। देखिए मलिकम्पुरम यह कहानी है देवनंदा की, जो कि मलयालम की है। मतलब कह सकते हैं कि साउथ इंडस्ट्री वालों ने बहुत ही कमाल कमाल के फिल्म बनाए हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि पहले 1 घंटा जो है आपको थोड़ी सी सुस्त लगेगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट मलिकापुरम, क्योंकि इस फिल्म मलिकापुरम में इसके जो देवनंदा है इसके परिवार के बारे में दिखाया जाता है कि एक गांव में है, इन पे कर्ज हो जाता है और यह एक दिन सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि यह तो अपने पापा से और बचपन से कह रही है कि मुझे स्वामी अयप्पा के दर्शन करने जाना है सबरीमाला। मैं आपको बता दूं कि सबरीमाला एक धाम है जो कि केरल में है। वह एक बहुत बड़ा मंदिर है जो कि 18 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। जैसे कि मक्का मदीना पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, वैसे ही यह सबरीमाला मंदिर पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है और यहाँ रोज लाखों के श्रद्धालु जाते हैं। यहाँ की सबसे खास बात बताओ कि यहाँ लड़कियाँ नहीं जा सकती है, आपको इसके लिए फिल्म देखने पड़ेगी। और इसका रीजन क्या है, वही लड़की जा सकती है जिनकी उम्र बहुत कम है और जिनका मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है, या वैसे औरत जा सकते हैं जो कि मासिक धर्म से अब मुक्त हो चुके हैं। देखो कहानी की जो बहुत ही अच्छे तरीके से कोरियोग्राफर किया गया है, जिसका कि 3 करोड़ बजट है। और फिलहाल मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म के सारे कैरेक्टर जो हैं और जितने भी एक्टर हैं सबों ने अच्छा एक्टिंग किया है। स्पेशली मैं कहूँ कि देवनंदा, जो कि भाई आप जब भी देखोगे आपके चेहरे पे हंसी आएगी, या जब भी लड़की कैमरे के सामने आती है बहुत छोटी सी है लेकिन आपके चेहरे पे एकदम स्माइल देगी यह बच्ची। ऐसे लगेगा कि स्वयं साक्षात आदि पुरुष हमें दर्शन दे रहे हैं। भाई मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप भी देखो अपने परिवार के साथ और बच्चों को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि यह मूवी कैसे भगवान और बच्ची का मिलन के बारे में दिखाया जाता है। यह मूवी हमें बताती है कि कैसे अभी के जनरेशन में जो कि क्या कहते हैं कि पूजा नहीं करना है, हमें प्रे नहीं करना है, लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक बच्ची कैसे अपने स्वामी अयप्पा से दर्शन करती है, वह करना चाहती है और अपने पापा को हमेशा कहती है कि मुझे दर्शन कर रहा, हालांकि उनके पापा मर चुके हैं। क्या वह बच्ची अब दर्शन कर पाएगी कि नहीं, इसके लिए तो आपको फिल्म देखने पड़ेंगे। फिल्म में या जिस स्कूल में पढ़ती है उनमें इनके बाल कलाकार भी हैं, जिसका नाम है पीयूष। पीयूष हमेशा इसके सपोर्ट के लिए खड़ा रहता है। यह दोनों मिलकर चल जाता है स्वामी अयप्पा के दर्शन करने सबरीमाला धाम। भाई समझ रहे हो, छोटे हैं दोनों लेकिन चल जाते हैं। इस फिल्म में थोड़ा सा एक्शन भी है, क्योंकि अकेली बच्ची जब भी कहीं जाती है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग की नीयत खराब हो जाती है, जो कि मुकुंदन भाई साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस फिल्म में अपना एक्टिंग किया है। भाई जो कि इंटरवल के बाद उनका अपीयरेंस होता है, बहुत एकदम कह सकते हैं ना कि भाई मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। आप भी देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस फिल्म की जहां तक बात करें, इसका बजट 3 करोड़ है, जो कि 22 सितंबर 2022 में रिलीज हुआ था, लेकिन हॉट स्टार के लिए मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि उसे हिंदी डब में मिला है। और यह फिल्म अभी चलेगी, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगी, इसके लिए मैं हॉट स्टार को भाई दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा आपने हिंदी डब में इसको बनाया है और अच्छी तरीके से बनाया है, ये नहीं कि कोई एक्टिंग करके। भाई मुझे यह फिल्म पर्सनली मैं बताऊँ बहुत अच्छी लगेगी, आप भी एक बार देखो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे एक्शन फिल्म देखते हैं, बहुत सारे ये देखते हैं, अभी पठान का क्रेज है, कल से एंटमैन आ रहा है, लेकिन यह हिंदी में डब होके जो कि कल हॉटस्टार पे ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, आप देखिए, परिवार के साथ देखिए, बच्चे के साथ देखिए। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इस फिल्म का जो स्टार मैं देना चाहूँगा 5 out of 5 देना चाहूँगा। और पर्सनली मैं देवनंदा के लिए कहूँ तो भाई उसे नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, बच्ची के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए। अगर नहीं मिलता है तो भाई फिर ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और साउथ इंडस्ट्री को भाई मैं पर्सनली अब बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनके पास क्या कहानी होता है भाई, क्या कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्शन तो एकदम कमाल के होते हैं भाई। देखो मतलब इस समय के भी इतने अच्छे से फिल्म बनाया है इन्होंने, भाई सैल्यूट। तो आप फिल्म देखिए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।